आज दुनिया भर के करीब 90% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट उनके जीवन यापन के लिए एक मूलभूत सुविधा जैसी चीज हो गई है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, ठीक उसी तरह आज इस जगत में रहने के लिए इंटरनेट जरूरी है। लगभग हर कंपनी में बिना इंटरनेट के कोई काम नहीं होता, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या फिर प्राइवेट। हर जगह इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अब इंटरनेट का इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल होगा तो साइबर क्राइम भी बढ़ेगा, और साइबर अटैक की दिन ब दिन बढ़ती घटनाओं से बचने के लिए मेंटेनेंस भी जरूरी है। इसलिए इंटरनेट यूजर्स को अगले 48 घंटे के लिए हो सकती है भारी परेशानी। जी हाँ, खबर है कि दुनिया भर में अगले 48 घंटों के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो सकती है। मुख्य डोमेन सर्वर्स अगले कुछ घंटों तक रूटीन मेंटेनेंस पर रहेंगे। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ घंटों तक इंटरनेट यूजर्स को नेटवर्क फेलियर होने की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुख्य डोमेन सर्वर्स और इससे जुड़े नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ समय के लिए डाउन रहेंगे। इंटरनेट कोऑपरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स यानी कि ICANN इस दौरान मेंटेनेंस का काम करेगी। इससे इंटरनेट की एड्रेस बुक या डोमेन नेम सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी। इंटरनेट यूजर्स को अगले 48 घंटों के दौरान वेब पेज एक्सेस करने या कोई ट्रांजैक्शन करने में दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ ही अगर यूजर्स आउटडेटेड ISP का इस्तेमाल करते हैं तो ग्लोबल नेटवर्क को एक्सेस करने में असुविधा हो सकती है।